देश पे आए दिन जो नई नई एक्सप्रेसवे बन रही है, हर एक एक्सप्रेसवे पर आपको स्पीड लिमिट्स देखने को मिलता है, कहीं पे 80, कहीं पे 100, तो कहीं पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की। लेकिन एक एक्सप्रेसवे है जहाँ पे इनॉग्रेशन के बाद भी कोई स्पीड लिमिट नहीं रखा गया था। क्या आप गेस कर सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे की। देश की पहली 6-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने के बावजूद इस पे कोई भी स्पीड लिमिट नहीं रखा गया था। यहाँ पे आप बोलोगे कि देश की पहली एक्सप्रेसवे तो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है, लेकिन वो एक 4-लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड नहीं था। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे वापस आए तो इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हुआ था 2002 में और फाइनली 2009 में इस एक्सप्रेसवे पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे का लिमिट रखा गया। फिर जैसे जैसे कार इंडस्ट्री इवॉल्व होता गया, एज पर एक्सपर्ट्स जुलाई 2019 में इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट को 120 किलोमीटर प्रति घंटे पे बढ़ाया गया। लेकिन ओवर स्पीडिंग के चलते एक्सीडेंट्स को देखते हुए नवंबर 2019 में ही स्पीड लिमिट को वापस कम कर दिया, जो आज भी वही है। फ्लैट टेरेन्स में नॉर्मल व्हीकल्स के लिए 100 km/h और ट्रक्स के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, और वहीं पे जहां पे चढ़ाई है वहां पे इसकी आधा मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। क्या आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में ये फैक्ट मालूम था? अगर नहीं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद खंडाला घाट के इस सेक्शन पे ऐसे हेयरपिन बेंड्स रोड्स के चलते ना केवल एक्सीडेंट्स होते थे बल्कि टाइम भी काफी ज्यादा लग जाता था। तो उसी के चलते मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के इस घाट सेक्शन के हेयरपिन बेंड्स को अवॉइड करने के लिए एक न्यू स्ट्रेट रोड का निर्माण हो रहा है, जिसे नाम दिया गया है इस एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक, यानी मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट, जो खालापुर टोल प्लाजा से शुरू होकर एंड होती है लोनावला के कुछ गांव में। हालांकि हम इस प्रोजेक्ट को 2022 से ही कवर कर रहे हैं, फिर भी अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट को थोड़ा समराइज कर देते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के खंडाला घाट के पास इस 21 किलोमीटर सेक्शन को कन्वर्ट करा जा रहा है एक 14 किलोमीटर की स्ट्रेट रोड में, जहां पे 850 मीटर और 650 मीटर का दो वायडक्ट और 1.7 किलोमीटर और 8.9 किलोमीटर का दो टनल भी आता है। और इस स्ट्रेट रोड को नाम दिया गया है एज मिसिंग लिंक ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जिसके डेवलपमेंट को MSRDC यानी महाराष्ट्र स्ट्रेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी को दिया है और प्रोजेक्ट कॉस्ट है लगभग 6,700 करोड़ रुपीस। बाकी अगर और डिटेल में जाननी है तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब देखते हैं मार्च 2024 तक कितना प्रोग्रेस हुआ है इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन उससे पहले एक बार आखिरी वीडियो पे एक नजर डाल लेते हैं जो हमने कवर किया था नवम्बर 2023 में। तो आखिरी बार हमने देखा था कि खालापुर टोल प्लाजा से खंडाला घाट तक की रोड वाइडनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। फर्दर डेवलपमेंट की बात करें तो अभी आपको इन वाइडनिंग सेक्शन में लाइट्स भी लगते हुए दिख जाएगा। अब यहां से सीधा चलते हैं जहां से मिसिंग लिंक की शुरुआत होती है और फॉर श्योर आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेगा। आखिरी बार हमने इस सेक्शन पे ट्रैफिक रूट को भी समझा था, लेकिन अभी देखेंगे तो ट्रैफिक मूवमेंट के चलते आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जहां एग्जिस्टिंग रोड के इस पार्ट को बंद कर दिया गया है और लेफ्ट साइड से आप सीधा जाएंगे लोनावला की तरफ, और अगर आपको लोनावला होते हुए पुणे जाना हो तो भी आप इस रोड के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोनावला से आ रहे हैं और आपको मुंबई की तरफ जानी हो तो इस अंडरपास के थ्रू आप जा सकते हैं, और अगर आपको खोपोली की तरफ जाना है तो इस रोड के थ्रू आप जा सकते हैं, जो आगे जाकर कनेक्ट भी होती है NH 48 में। अब अगर आपको लोनावला को बाईपास करके पुणे की तरफ जानी है तो वाइडक के LHE साइड से आप सीधा जा सकते हैं, और अगर आप पुणे साइड से लोनावला को बाईपास करते हुए आ रहे हैं तो वो आकर यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होती है। और अब ग्राउंड लेवल पे हर एक रूट को समझते हैं। तो यह है एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे जो इस पॉइंट से डिवाइड हो जाता है। एक्सप्रेसवे के ये वाला पार्ट को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, जहां ये रोड जा रही है खोपोले की तरफ,
और ये जाती है मुंबई की तरफ, जहां एग्जिस्टिंग रोड जा रही है लोनावला की तरफ। आगे वायलेट 1 के एंट्रेंस पे पुराने पीक्यूसी रोड को निकालने का काम अभी चालू है, ताकि नई अप्रोच रोड का निर्माण हो सके, और आगे इस अंडरपास को अभी ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। अब चलते हैं वायरेक्ट 1 पे, जिसकी लंबाई है करीब 845 मीटर और एग्जैक्ट लेंथ की बात करें तो लेफ्ट साइड का लेंथ है 790 मीटर और राइट साइड का लेंथ है 900 मीटर। आखिरी बार यहाँ पे राइट साइड के स्पैन में सदर्न एंड पे डेक स्लैब का थोड़ा बहुत काम बाकी था, जहाँ अभी देखेंगे तो दोनों ही साइड पे ब्रिज का काम कम्प्लीट हो चुका है, जहाँ थोड़ा बहुत फिनिशिंग और रोड लेइंग का काम चालू है। इसके बाद एंटर करते हैं टनल 1 में, जो करीब 1.7 किलोमीटर लंबी है। टनल दोनों ही एंड से थ्रू हो चुका है, बाकी है तो अंदर में फिनिशिंग का काम, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। इनफैक्ट दोनों ही साइड का पीक्यूसी लेइंग भी कंप्लीट हो चुका है। टनल एंड होते ही आती है और एक वायरेक्ट यानी V2। और ये एक आइकॉनिक वायरेक्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट की, जो करीब 650 मीटर लंबी है। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो आखिरी बार से तुलना करें तो हर एक पाइलन में काफी प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा, जहां राइट साइड के मेन पाइलन में क्रॉस गर्डर का कास्टिंग भी हो चुका है। ये एक केबल स्टेट ब्रिज होगा, जिसके सेंटर स्पैन करीब 305 मीटर लंबी है, और ये वाला स्पैन और दोनों एंड के ये वाला पार्ट केबल स्टेट होने वाला है, जहां दोनों एंड की अप्रोच वाला पार्ट में मुंबई एंड से ऑलरेडी डेक स्लैब का काम चालू हो चुका है। और आप देख सकते हैं हर एक जगह पर लगातार काम चालू है, और जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब ये वायडक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट का एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनने वाला है। और आप चाहे तो इस वायरेक्ट को खंडाला घाट के इस सनसेट पॉइंट से भी खुली आंखों से देख सकते हैं, और मॉनसून के टाइम पे ये वायरेक्ट काफी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि आसपास में आपको बेहतरीन लैंडस्केप्स दिखने वाले हैं। खैर, वायरेक्ट क्रॉस करने के बाद शुरू होती है टनल 2, जिसकी लंबाई है करीब 8.9 किलोमीटर, और ये महाराष्ट्र की सबसे लंबी रोड टनल भी होने वाला है, और तो और सबसे गहरा भी, क्योंकि लोनावला के ग्राउंड लेवल से करीब 150 मीटर नीचे से गुजरा है ये टनल। और एज पर रिकॉर्ड ये टनल एशिया की सबसे चौड़ी टनल भी है, जहां ईच साइड का विड्थ है करीब 23.5 मीटर। टनल की प्रोग्रेस देखें तो टनल की दोनों ही साइड पे पीक्यूसी कंप्लीट हो चुका है और अभी फिनिशिंग का काम चालू है। इस टनल के अंदर सभी तरीके का इमरजेंसी सुविधाएं भी रहने वाली है, और उसका कंट्रोल स्टेशन भी रहेगा टनल के बाहर। इमरजेंसी के टाइम पे सपोर्ट के लिए हर 500 मीटर पे ऐसे कनेक्टिंग टनल भी बनाया गया है। आखिरी बार इस टनल के पुणे एंड पे आपने देखा था ब्रेक थ्रू का काम चालू हुआ था, और अभी वो कंप्लीट भी हो चुका है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ही टनल ओपन हो चुका है, जहां आप देख सकते हैं कि LHS टनल का अप्रोच ऑलरेडी क्लियर है, तो RHS टनल के अप्रोच के लिए अभी काम चालू है, और आप देख सकते हैं ब्लास्टिंग के जरिए वो काम अभी चल रहा है। और यहां पे आप देख पाएंगे कि टनल कंट्रोल स्टेशन का भी काम ऑलरेडी चल रहा है। टनल से निकलने के बाद आपको अप्रोच रोड का ही काम चलते हुए दिखेगा, जहां पे इस जगह पर एक व्हीकल अंडरपास का निर्माण भी चल रहा है। और यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट को समझना काफी सिंपल है, क्योंकि टनल के थ्रू आप बाईपास करेंगे लोनावला को, चाहे आप पुणे साइड से आए चाहे आप मुंबई साइड से आए, और लोनावला होते हुए आपको मुंबई जानी है तो इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहीं पे एंड होता है मिसिंग लिंक का, और इसके आगे भी कुछ 1 किलोमीटर के रोड को ऑलरेडी वाइडनिंग कर दिया गया है 6 लेन से 8 लेन में। तो ओवरऑल प्रोग्रेस को समझे तो हमें नई डेवलपमेंट देखने को मिला है वायरेक्ट 1 में, जहां ये अंडरपास अभी ऑपरेशनल है और वायरेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। फिर टनल 1 में भी फिनिशिंग का काम काफी एडवांस स्टेज पे जा चुका है,
उसके बाद वायरेक 2 पे आपको डेक स्लैब का काम चालू होते हुए दिखा, जहां मेन पाइलन में क्रॉस गर्डर का कास्टिंग भी शुरू हो चुका है। फिर टनल 2 में भी आपको एडवांस स्टेज पर फिनिशिंग का काम चलते हुए दिखा है, जहां पे इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड्स का भी काम शुरू हो चुका है। और टनल 2 के पुणे साइड से ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो चुका है, जहां आपने कंट्रोल स्टेशन का भी निर्माण होते हुए देखा और सामने अप्रोच रोड का भी काम अभी चालू है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल काफी अच्छी स्पीड से काम चल रहा है, जो कि क्लियरली विजिबल है। क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की हर एक जगह पर आपको एक्टिवली काम चलते हुए दिखा होगा, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।